क्यों होता है, चिंता क्यों होती है, डर क्यों लगता है? कुछ ऐसा हो आपके पास जो पूर्णतया अपना हो, तो न चिंता रहे, न परेशानी रहे, न डर रहे। दुनिया तो बसा ली है, छोटा सा अपना एक घरौंदा बना लिया है और उसमें छोटी 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 चीजें जमा कर ली है, गुड्डे गुड़िया, गुड़िया का लहंगा, गुड्डे की कुर्सी, अब दिक्कत यह है कि उसमें से कुछ चीजें उधारी की हैं, बाकी चोरी की। तो डर यह है कि जिससे उधार लिया है वो आके वापस ले जाएगा, जिससे चोरी की है वो आके धमकाएगा। उधारी और चोरी समझना, जो कुछ भी ऐसा हो तुम्हारे पास, जिस भी वस्तु व्यक्ति विचार को तुम अपना मानते हो परंतु उसके हट जाने या मिट जाने की संभावना हो, जान लेना तुम्हारा नहीं है। और जो कुछ तुम्हारा नहीं है वो तुम्हारे पास दो ही तरीकों से आ सकता है, या तो उधार से या फिर चोरी से। दोनों ही स्थितियों में तुम तो कांपते ही रहोगे ना, रातों को नींद आएगी नहीं। तुम्हें जो कुछ मिला है समय से, परिस्थितियों से, संयोगों से मिला है, और वो जा सकता है कभी भी, इसलिए परेशान हो। जो न समय से मिलता है, न परिस्थिति से, न संयोग से, उसकी तुम परवाह करते नहीं। मिला वो भी हुआ है पर उसको तुम सम्मान देते नहीं, उसकी सुध लेते नहीं। और एक बात और सुनो, जो मिला है इधर से उधर से उसका मोल है 100 रुपए, नहीं तो 1000 रुपए। और जो ऐसा मिला है कि तुम्हारी हस्ती में शामिल है, वो तुम्हारे हस्त पर नहीं रखा, तुम्हारी हस्ती में है। ये दो तरह की चीजें होती हैं जो अपने पास होती हैं, एक वो जो हस्त पर होती हैं, जो हस्त पर है वो, और दूसरी चीज होती है जो हस्ती में निहित होती है, वो कभी हट नहीं सकती ना, वो आपकी सांस में है। सांस भी एक दिन टूटे शायद, वो सांस से भी गहरी है, वो कभी छूट नहीं सकती। ये दिखाई पड़ती है, क्यों? क्योंकि आंख तो बाहर को ही देखेगी, हाथ पे कुछ है तो दिख जाता है। और जो अति सूक्ष्म है और कूटस्थ है, कूटस्थ माने भीतर समाई हुई, लगातार चहुंओर व्याप्त, उसको आंख नहीं देख सकती। जब देख नहीं सकती तो फिर उसकी कीमत आंख नहीं कर सकती, और आंख द्वारा निर्देशित मन भी उसकी कीमत नहीं कर पाएगा। मन भी उन्हीं चीजों की कीमत करता है जो उसे आंखें ले आकर के देती हैं, आंखों ने ला करके दिया कि ये है, तो मन ने कहा फिर इसकी कीमत करते हैं। अब कुछ ऐसा है जो आंखों की पकड़ में नहीं आता, न कानों की, न बुद्धि की, तो मन उसकी कीमत क्या करेगा? मन की दृष्टि में तो वो चीज अस्तित्व में ही नहीं है। जो चीज अस्तित्व में नहीं उसका क्या मूल्य मन के लिए? तो हम कह रहे थे कि हाथ पे जो रखा है तुम्हारे पास उसकी कीमत 100 रुपए, नहीं तो 1000 रुपए। और जो कूटस्थ विद्यमान है उसकी कीमत अनंत है। अनंत थोड़ा धुंधला सा शब्द लगता है, तो मान लो किसी कीमत है 1 अरब। और तुम रो किसके लिए रहे हो?
100 रुपए के लिए, क्योंकि वो 100 रुपया दिखता है। और 100 रुपए के लिए रो रो कर तुम अवहेलना किसकी किए जा रहे हो? वो 1 अरब की। और अवहेलना सिर्फ इसलिए कर रहे हो क्योंकि वो तुम्हें दिखता नहीं है, पर दिखता नहीं, उपयोगी भी है पर दिखता नहीं, दिख भी सकता है पर उस माध्यम से नहीं दिखता जिस माध्यम से देखने की तुमने जिद पकड़ी है। ऐसा नहीं कि वो दृष्टिगत नहीं हो सकता, दृष्टि दूसरी चाहिए। तुम कहते हो मैं तो एक ही दृष्टि से देखूंगा, किस दृष्टि से? ये आंख की मांस वाली भौतिक दृष्टि से। जो दूसरी दृष्टि होती है प्रेम की और ध्यान की, उससे सब दिखेगा, भीतर की समस्त संपदा उजागर हो जाएगी, पर उस दृष्टि का तुमने कभी उपयोग ही नहीं किया, वो आंख तुमने कभी खोली नहीं। आंखें तुम्हारी खुलती कौन सी है? यही जो हाड़ मास की दो आंखें हैं। अब ये बेचारी लाचार नादान, इन्हें क्या दिखता है? इन्हें तो यही दिखता है ये, और इसको तो कोई भी आएगा और क्योंकि कुछ चीज चोरी की है और बाकी चीज उधारी। तुम तो अपना शरीर भी अगर बचा के दिखा सकते हो तो बचा दो। कोई आता है जो हक के साथ एक दिन शरीर को भी ले जाता है, जाहिर सी बात है कि शरीर भी तुम्हारा, अगर तुम्हारा होता तो कोई इतने हक के साथ उसको कैसे ले जाता है? वो भी उधार का था, उधार की चीज तो लौटानी पड़ेगी ना, और तुम अपने ही दुख का इंतजाम कर रहे हो अगर उधार की चीजों से मन लगा बैठे। क्या कहोगे ऐसे आदमी को जो कुछ उधार का लेके आए और फिर उसके मुंह में पड़ जाए? बोलो क्या कर रहा है वो? अपने ही दुख का प्रबंध कर रहा है, इसलिए परेशानी है और चिंता है और डर है। पराये से जुड़ बैठे हो, पराये को अपना बोलने लगे हो। अरे जब तुम्हारा शरीर ही तुम्हारा नहीं है तो शरीर से ये जो उत्पन्न हुए ये तुम्हारे कैसे हो गए? बोलो। और कोई रिश्ता है तुम्हारे पास जो शरीर का ना हो? पति हो, बच्चे हो, ये सब शरीर के कारण तुम्हारे साथ है ना। शरीर ना होता तो ये दोनों आते आते क्या? शरीर ना होता तो पति साथ होते? शरीर ना होता तो घर में किसको रखती? और शरीर ही तुम्हारा नहीं, तुम्हारी इच्छा से जन्म नहीं हुआ, और जब मृत्यु आएगी तो तुम्हारे रोके रुकेगी नहीं। कुछ समय के लिए टाल सकते हो, दवाई ले ली, ये कर लिया, वो कर लिया। वो तो जब कोई उधार वसूलने आता है तो उसे भी तुम कुछ समय के लिए टाल ही देते हो कि नहीं टालते हो? कि भाई अगले महीने आना। तो मौत को भी हम वैसे ही टालते हैं कि भाई अभी जरा नया उपचार शुरू करा है, 2 महीने के लिए मौत हमने टाल दी है। पर जिसे वसूलना है वो तो वसूलेगा। यम के दूत बड़े मजबूत, यम से पड़ा झमेला। मौत को हम याद रखते नहीं। जिसे मौत याद है वो इससे कभी जुड़ नहीं सकता, वो इसको वैसे ही पहनेगा जैसे कि कुर्ता पहना जाता है। कुर्ते का उपयोग तो है पर मैं कुर्ते की बाह को अपनी बाह नहीं बोलूंगा कभी, और कुर्ता जब उतारूंगा तो मेरा दिल टूट नहीं जाएगा। मुझे पता है कि कुर्ते तो पहने ही जाते हैं कि एक दिन उतरेंगे, पर मैं कहने लग जाऊं कि ये मेरी बांह है तो बड़ी तकलीफ होगी, क्योंकि ये बांह तो मेरी है नहीं, ये हटेगी, जो हटेगी तो मेरा दिल टूट जाएगा। इसलिए हमारा दिल बार बार टूटता है, हम उनको अपना कह बैठे हैं जो हमारे है नहीं, और फिर हम कुर्ते के साथ भी अन्याय करेंगे।
हम कुर्ते से वो अपेक्षा करने लग जाएंगे जो अपने से की जाती है। अपना माने वो जो आत्मीय हो, जो आत्मा से संबंधित हो। कुर्ता ठहरा कुर्ता, वो हमारी उम्मीदें कभी पूरी नहीं कर सकता क्योंकि उसका आत्मा से कोई लेना देना नहीं। ठीक इसी तरह देह भी एक कुर्ता है, देह भी तुम्हारी उम्मीदें पूरी नहीं कर पाएगी और देह से तुमने बड़ी उम्मीदें बना रखी हैं। देह से, देह के रिश्तों से, संसार से, सब देह है, इससे खूब उम्मीद बना रखी है, अब देह उन उम्मीदों को पूरा ही नहीं कर पाती, फिर तुम बिगड़ते हो, चिल्लाते हो, कहते हो ये क्या है। भोजन से क्या मांगते हो, तृप्ति, वो मिलती नहीं। काम वासना से क्या मांगते हो, तृप्ति, वो मिलती नहीं। ये सब तुम देह से मांग रहे हो, ऐसी चीजें जो मात्र आत्मा दे सकती है। देह के जो रिश्ते होते हैं उनसे तुम क्या मांगते हो, उनसे तुम मांगते हो सत्संग, किसी से तुम जुड़े और रिश्ता देह का था और तुम्हारी मांग ये है कि हम जिससे जुड़े हैं वो हमारे लिए परमात्मा स्वरूप हो जाए। तुम्हें लगता है कि हमारा जीवन साथी भगवान सा रहे, वो हो नहीं पाएगा, देह फिर धोखा दे गई, फिर तुम्हें खींच उठती है, फिर तुम्हें लगता है धोखा हो गया और तुम समझ भी नहीं पाते धोखा हुआ कहां। ये स्थिति पूरी मानवता की है, ये सबको लग रहा है और लगातार लग रहा है कि धोखा तो हो गया है, ये निरंतर लगता रहता है ना मन के एक कोने में, कहीं कुछ गड़बड़ है, लगता है कि नहीं, कि जैसे सब कुछ ठीक नहीं है, कहीं तो कुछ गड़बड़ है जरूर, एकदम शांति नहीं है, कहीं कोई उपद्रव है, एक झीनी सी आहट, एक एहसास मौजूद लगातार। और ये भी जान नहीं पाते कि वो गड़बड़ वास्तव में है क्या, उस पर उंगली नहीं रख पाते। वो यही है, तुम्हें पता है कि तुम्हारे खेल की बुनियाद ही झूठी है, कि जैसे तुम्हें रात में गहरी प्यास लगी हो, गहरी प्यास हो सकता है ऐसा जी, रात में 3 बजे 4 बजे गला बिल्कुल सूख जाए, प्यास लगी है। और जानते हो मन क्या चाल चलता है अक्सर, जाड़े वगैरह के दिन है, सुबह 4 बजे खूब ठंड है और तुम्हें बड़ी प्यास लगी है, तो मन तुम्हें सपना दिखा देगा और सपने में तुम क्या कर रहे होगे, पानी पी रहे हो। अब पानी तो तुम पी रहे हो तो तुमने अपने आप को समझा लिया कि मैंने पानी पी लिया, प्यास बुझ गई, लेकिन भीतर भीतर जो तुमसे कुछ कहा जा रहा है वो क्या कहे जा रहा है, कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है, प्यास अभी बुझी नहीं। और तुम्हें दिखाया क्या जा रहा है दृश्य, कि प्यास बुझ गई, खूब पानी पिया। ऐसा जीवन है हमारा, जो वास्तविक प्यास है वो बुझती नहीं, और वास्तविक प्यास कायम रहे और फिर भी तृप्ति का एहसास रहे, इसके कारण हम पानी का सपना देख लेते हैं। सपना कुछ देर तक मन बहलाव कर देता है, सपने के बाद प्यास और तीव्र हो जाती है, जानते हो, विचित्र स्थिति है, एक ओर तो पानी पिए जा रहे हो और दूसरी ओर तृष्णा और गहराई जा रही है। अब चाहो तो एक और सपना देख लो या
चाहो तो उठ बैठो, तुम्हारी मर्जी। हां सपना भी क्या देखते हो तुम, इसमें तुम्हारी मर्जी निहित है। सपने भी तुम्हारी मर्जी के बिना नहीं आते। सपनों में भी सहमति छुपी होती है तुम्हारी, और प्रमाण इसका यह है कि जो तुम चाहते हो वो तुम्हारे सपनों में आ जाता है। वास्तव में सपनों में तुम्हारे सिर्फ वही आता है जो तुम चाहते हो। कई बार तुम्हें पता होता है कि तुम क्या चाहते हो तो तुम कह देते हो कि जो चाहता था वो सपनों में आ गया, और कई बार तुम्हें पता ही नहीं होता कि तुम क्या चाहते हो तब तुम कहते हो विचित्र सपना देखा, पता नहीं क्या आ गया सपने में। नहीं, पता नहीं क्या नहीं आ गया, सपने में जब भी कुछ आएगा तो वही आएगा जिससे तुम्हारा इच्छा का संबंध है। हो सकता है वो इच्छा इतनी गहरी हो, इतनी छुपी हुई हो, इतनी गुप्त हो कि तुम्हें ही उस इच्छा का पता ना हो। चिंता, परेशानी, डर, आपने अपनी ओर से तो सारे इंतजाम करे ना ये सब हटाने के, परेशानी हटाने के, चिंता हटाने के, डर हटाने के, और आप देखती नहीं है कि सारे इंतजामों के बाद, सारे प्रयत्नों के बाद भी ये जाते नहीं। आपके तो नहीं ही जाते, दुनिया में किसी के भी नहीं जाते। बड़े बड़े राष्ट्रपति, महामहिम बैठे हुए हैं, ये तीन शब्द उन सब पर लागू होते हैं। कौन से तीन? क्योंकि सब प्यास बुझा रहे हैं सपने में पानी पी के। इसे कहते हैं एक तल की बीमारी का उससे निम्नतर तल पर समाधान करना। शरीर तथ्य है और कल्पना तथ्य से नीचे का तल है, नीचे का कह लो या अलग कह लो, मर्जी है। अब शरीर के तल पे व्यथा है, उसका समाधान कल्पना के तल पर नहीं हो सकता। इसी तरीके से पारमार्थिक तल पर तुम्हारी जो व्यथा है उसका समाधान सांसारिक तल पर नहीं हो सकता। तुम्हारी परेशानी आध्यात्मिक है, इसका भौतिक इलाज कैसे कर लोगे? पर तुम अपने जीवन में आध्यात्म की कमी को भरना चाहते हो घर में फर्नीचर और गाड़ियां ला करके, तुम हारोगे ना, तुम्हारे प्रयास असफल जाएंगे ना। ठीक वैसे जैसे सपने में पिया पानी प्यास नहीं बुझा सकता, वैसे ही घर में लाया हुआ फर्नीचर और गाड़ी या कि घर में आया हुआ नया बच्चा, चाहे घर में बजी बधाई, तुम्हारे जीवन में जो राम नाम की कमी है उसे पूरा नहीं कर पाएगी। पर कोशिश तुम्हारी पूरी यही है, जीवन सूना है, चलो कहीं घूम आते हैं। जीवन सूना है, चलो कुछ खरीद लेते हैं। जीवन सूना है, चलो ब्याह कर लेते हैं। जीवन सूना है, चलो बच्चा पैदा कर लेते हैं। प्यास नहीं बुझेगी, तुम्हें कुछ और चाहिए। कुछ अपना, उधारी का नहीं, कुछ ऐसा जो कभी धोखा न दे, कुछ ऐसा जिस पर कोई दूसरा कभी दावा न कर सके, कुछ ऐसा जिसके परायपन की कोई संभावना ही ना हो,